दुर्गा पूजा के मौके पर इन दिनों जयपुर का हवा महल बिहार में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुंगेर से करीब 25 किलोमीटर दूर बरियारपुर प्रखंड में कल्याणपुर नामक जगह है। यहाँ हर साल नए थीम के साथ दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है और जिसे देखने ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं। हर साल नवरात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा होती है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु माँ से मन्नतें मांगते हैं, माँ उन्हें जरूर पूरा करती हैं। और इस बार यहाँ बना है जयपुर का हवा महल, और ये हवा महल इतना भव्य बना है कि जो भी श्रद्धालु देवी का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, सभी हवा महल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। हवा महल इसलिए भी बनाया गया है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, चूंकि सब लोग तो जाके नहीं देख पाते हैं, कुछ मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, उसको हम लोग जो है हुबहू यहाँ पे उतरवाने का कोशिश किए हैं। माता रानी के कृपा से हर साल एक नया थीम तैयार होता है, जो कि पूरे बिहार में पहला, जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है पूरे मुंगेर जिला में आपको ये पहला मिलेगा। इवन इस साल नहीं, अगले साल भी, पिछले साल भी एक गेट हम लोग ये हवा महल बनाए हैं जो कि जयपुर के तर्ज पर है, और मेन गेट भी हमारा जो है रोड पर, वो भी बहुत भव्य है। और यहाँ पर हर चीज़ होता है, आपको अष्टमी से लेकर दसवीं तक यहाँ पर प्रत्येक दिन भंडारा होता है, और जो मुख्य भंडारा होता है वो अष्टमी को, चूँकि सारे लोग जो है अष्टमी फलाहारी करते हैं, इसलिए अष्टमी को यहाँ पर मुख्य रूप से फलाहारी हलवा का वितरण होता है, जो कि शुद्ध सिंघाड़ा और शुद्ध घी से बनाया जाता है, जिसे लोग बहुत ही अमृत समझ के सारे लोग आके और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दसवीं को भी भंडारा होता है, नौवीं को भी, हर एंगल से हमारे यहाँ पर सारी सुविधा होता है। अगर हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस डॉक्टर साहब ने बनाया है, गेस्ट हाउस में पहले वो बैठते हैं, गेस्ट हाउस में उनको नाश्ता का व्यवस्था होता है, चाय पानी का व्यवस्था होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बाहरी गेस्ट हो, मीडिया से हो या हमारे प्रशासन से हो, इसके बाद उनका गेस्ट हाउस में स्वागत होने के बाद ही मंदिर में वो जाते हैं। और यहाँ पर जो भी है वो सारे लोग मिलके करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है डॉक्टर साहब का होता है। माता के प्रति उनका आस्था इतना ज़्यादा है कि वो अगर जितना भी चंदा हुआ नहीं तो उसके बाद जो भी खर्च होता है वो डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाता है, और खर्च का यहाँ कोई वर्णन नहीं है। इवन यहाँ पर 80-90 लाख रुपया तक खर्च होता है। हमारा अभी प्रोग्राम बहुत ही टाइट था, हमारा बॉम्बे से आने वाले थे, बिपराक आने वाले थे, शब्बीर कुमार आने वाले थे, फिर जावेद अख्तर आने वाले थे, लेकिन कोविड को प्रोटोकॉल को देखते हुए सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। कैलाश खेर जी भी आने वाले थे, वो अगले बार भी आने वाले थे, लेकिन अगले बार नहीं आए प्रोटोकॉल के कारण, तो वो बोले नहीं मैं इस बार ज़रूर आऊँगा, लेकिन प्रोटोकॉल फिर लागू हो गया जिसके चलते हम लोगों को सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। हालांकि भीड़ तो उतना नहीं है, बट हमारा जो जनरली भीड़ होना चाहिए वो भीड़ है।